गुड मॉर्निंग बच्चे, आप लोगों को मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को समझाया था। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि कोई भी कंडक्टर वायर है, तो बच्चे आप जानते हैं कि जब तक कंडक्टर वायर है आप उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं तब तक उसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही किसी कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा तो वहां मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर प्रोड्यूस होगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। अब क्वेश्चन ये है कि कैन बी ए करेंट कैरिंग कंडक्टर बी कंसीडर्ड एज ए मैग्नेट। पहला क्वेश्चन में कि क्या एक करंट कैरी कंडक्टर को आप मैग्नेट कह सकते हैं, उसको मैग्नेट कह सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर को। मन ये आ रहा होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो मैग्नेट क्यों नहीं कहेंगे। निश्चित तौर पर मन में ऐसा आता होगा कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो मैग्नेट क्यों नहीं कहेंगे, तो क्या आप कह सकते हैं। चलिए इसके लिए एक एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, करेंगे क्या। सपोज करो बच्चे ये ए भी एक कंडक्टर वायर है, आप सारे बच्चों को दिख रहा होगा ए भी एक कंडक्टर वायर है और एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। कंडक्टर वायर ए भी कंडक्टर वायर है, एक कार्डबोर्ड में मिले, इस कार्डबोर्ड पर आप क्या करते हो कि आयरन फिलिंग्स, ठीक है, आयरन की छोटे छोटे टुकड़े कह लो या उसके बुरादे कह लो, आयरन फिलिंग्स को यहाँ रख दो, छेक दो, ठीक है। आयरन फिलिंग्स यहाँ रखा हुआ है, मान लीजिए आयरन फिलिंग्स जो भी है इस तरह का रख दिया हमने, ठीक है, इस तरह का हमने आयरन फिलिंग्स रख दिया। अब इस कंडक्टर वायर को आप एक सर्किट तैयार करो, कंडक्टर वायर के साथ सेल एमिटर वेरिएबल रेजिस्टेंस और की ऐड करो। अब की को प्रेस करो तो यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, ठीक है। करंट जो है आप जानते हो कि करंट जो होता है कन्वेंशनल करंट वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होना स्टार्ट होगा, और जैसे ही इस कंडक्टर वायर में करंट आया तो आप देखो कि यहां जो आयरन फिलिंग्स था वो सारा आयरन फिलिंग्स आप गौर करोगे कि उस कंडक्टर वायर के चारों तरफ इस तरीके से रोटेट करेगा, ठीक है। आयरन फिलिंग्स क्या होगा, रोटेट करेगा, तो आप गौर करोगे कि इस कंडक्ट ये जो कंडक्टर वायर है बच्चे ये चारों तरफ जो रोटेट किया इसका मीनिंग हुआ क्यों किया रोटेट, निश्चित तौर पर कि आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है, आपको पता है जब तक ये कंडक्टर से करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, करंट फ्लो शुरू हुआ ये रोटेशन स्टार्ट कर दिया आयरन फिलिंग्स, ठीक है, चाहे इस तरीके से हो चाहे इस तरीके से हो, चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में, किसी न किसी डायरेक्शन में रोटेशन शुरू हुआ, ठीक है। तो ये जो घूमने लगा इसके चारों ओर, इससे पता चलता है क्या कि ये जो कंडक्टर वायर है निश्चित तौर पर ये कंडक्टर वायर से ये मैग्नेटिक मटेरियल पर एक फोर्स लगा रहा है, जो आयरन फिलिंग्स पर एक फोर्स लगा रहा है, इससे पता चल रहा है कि निश्चित तौर पर इसके कंडक्टर वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, जिस कारण से ये यानी मैग्नेट का प्रॉपर्टी इसमें आ चुका है, इसलिए ये मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप जानते हो कि मैग्नेट जो भी होता है या तो मैग्नेटिक मटेरियल जो होगा उसको अपनी ओर एक फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कंडक्टर इटसेल्फ इज ए सेंटर ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल, मैंने लिख दिया ये जो कंडक्टर है तो कंडक्टर खुद इस कंसेंट्रिक सर्किल का सेंटर का होगा, यानी ये जो है ये बिल्कुल इस कंसेंट्रिक सर्किल का सेंटर होगा, यानी आप ऐसे देख लो, मान लो आयरन फिलिंग्स ये है, ठीक, फिर ये देखो, ठीक, तो इस तरीके से ये जो कंडक्टर वायर है
अब इस कंसेंट्रिक सर्किल जो बनेगा, कौन सा कंसेंट्रिक सर्किल, जो उस कंडक्टर वायर के चारों तरफ घूम रहा है। कहने का मतलब ये कंडक्टर वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को शो किया ये कंसेंट्रिक सर्किल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को शो किया, चाहे वो नजदीक का हो चाहे डिस्टेंस बढ़ते जाए। तो जहां तक मैग्नेटिक फील्ड शो हो रहा है कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में हो रहा है, और ऐसा जो कंसेंट्रिक सर्किल बन रहा है उस कंसेंट्रिक सर्किल का सेंटर क्या होगा, तो वह कंडक्टर वायर खुद होगा। यह एक एक्सपेरिमेंट था, यह तो आपने बता दिया बच्चे कि निश्चित तौर पर कंडक्टर वायर में अगर करंट कैरी होता है तो वह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यह इस एक्टिविटी से क्लियर हुआ। अब मान लो हम अगर ये कहें बच्चे कि ये तो चलो ठीक है कि ये जो रोटेट हुआ तो इसका डायरेक्शन क्या था, क्या डायरेक्शन ये था, क्या डायरेक्शन ऐसा था या डायरेक्शन ऐसा था, क्या क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था, इसका पता कैसे लगाओगे किसी भी कंडक्टर से। कहने का मतलब स्ट्रेट कंडक्टर जो करंट कैरी करेगा, कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर जो करंट कैरी करेगा तो वह अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये कंडक्टर जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो दैट मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, डायरेक्शन कैसा होगा, तो इसका पता लगाने के लिए राइट हैंड थंब रूल तो कहेगा कि किसी भी कंडक्टर, क्वेश्चन यह होगा कि किसी भी कंडक्टर वायर से करंट कैरी होगा, अगर करंट कैरी होता है स्ट्रेट कंडक्टर वायर से तो उसका डायरेक्शन का पता आप कैसे लगाओगे, तो निश्चित तौर पर वहां आप क्या बोलोगे, वहां बोलोगे राइट हैंड थंब रूल, और किसका, मैक्सवेल। तो अब हम लोग बच्चे पढ़ते हैं कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है क्या, तब डायरेक्शन का पता लगाएंगे। ठीक है ना बच्चे, तो मैंने कहा बच्चे आप लोगों को कि किसी भी कंडक्टर वायर, स्ट्रेट कंडक्टर वायर में अगर करंट कैरी हो रहा है तो उस करंट जो कैरी होगा तो निश्चित है कि वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये आपने समझा इस एक्टिविटी, जो एक्टिविटी मैंने बताया उसके द्वारा आपने, उसके थ्रू आपने ये समझ लिया कि कोई भी कंडक्टर वायर अपने चारों ओर अगर करंट पास हो रहा है तो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये आप पहले भी जान रहे हैं। तो कह रहा है कि उस करंट का डायरेक्शन का पता आप कैसे लगाओगे, हाउ कैन यू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दैट कंडक्टर। तो उसका पता लगाने के लिए निश्चित तौर पर हमने कहा कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या कहा, देखो इससे बेहतर कंडक्टर आपको नहीं पता चलेगा, आपको यहां भी दिख रहा होगा राइट हैंड थंब रूल, आप समझ लेना अपना राइट हैंड आपका कौन है। तो ये है राइट हैंड बच्चे, देखो मैक्सवेल ने कहा कि अपने राइट हैंड, आप लोगों को उम्मीद है दिख रहा होगा, अपने राइट हैंड को इस तरीके से, अपने राइट हैंड में एक कंडक्टर वायर सपोज करो, आप इस तरीके से इसको पकड़ो, इस तरीके से होल्ड करो इस कंडक्टर वायर को कि थंब करंट के डायरेक्शन को बताए, थंब राइट हैंड, ध्यान रखना राइट हैंड, थंब करंट के डायरेक्शन को बताएगा, तो ये जो कर्ल है, फिंगर है, ये फिंगर अगर ये करंट के डायरेक्शन को बताएगा तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। ओके स्टूडेंट, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये कंडक्टर वायर स्ट्रेट कंडक्टर है, आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा ये कंडक्टर वायर क्या है, स्ट्रेट है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये फिंगर का डायरेक्शन देखो कैसा है, आप गौर करो, ये फिंगर इधर मुड़ा हुआ है बच्चे, आप अपने हाथ में ऐसे लेकर के करना, समझ में आएगा, ये फिंगर का डायरेक्शन देखो, तो ये फिंगर का डायरेक्शन इस तरीके से, गौर कीजिए,
ये तरीका से एक कंसेंट्रिक सर्किल बनाएगा। और डायरेक्शन क्या हो रहा है, आप देखो अगर करंट अपवर्ड जा रहा है तो डायरेक्शन ये जो हो रहा है ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो रहा है, यानी जो आपका घड़ी होता है उसके नीडिल के अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज व्हाट एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो आप अगर ये बात समझ गए हैं बच्चे कि एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्या है, ठीक है, तो अब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन जब आप समझ गए हैं तो आप अपने हैंड में लेकर के इस तरीके से आप देखोगे, मान लो आपको मैं फिर आगे एक्सपेरिमेंट को बता रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चे। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में बताया गया, यहां तक आपको एक कंडक्टर मैंने बोर्ड पर दिया है, ये कंडक्टर वायर है। अब इस वायर में क्या कहे, ये देखो करंट कहां जाएगा बच्चे, अपवार्ड डायरेक्शन में। तो करंट अपवार्ड डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट कहां, अपवार्ड, ये लिख दिया हमने करंट का डायरेक्शन अपवार्ड। तो करंट का डायरेक्शन अपवार्ड है तो ये देखो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी आप देखो कहां से घूम रहा है, इधर, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है। अब इसको इधर घुमाओ, ठीक है, देखिए कैसा घूम रहा है, आपने देखा इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर आप किसी भी कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर को इस तरीके से अपने राइट हैंड में पकड़ो कि राइट हैंड का थंब अगर करंट को शो करेगा तो उसकी रेस्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। तो फिर मैक्सवेल ये भी कहा, ये तो आप बच्चे समझ गए होंगे कि करंट का डायरेक्शन आप क्या है, आप देख रहे हो करंट अपवार्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक वाइज, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एंटी क्लॉक वाइज। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, इफ करंट डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड होगा देन द प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर, द डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर इज एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। जस्ट मैक्सवेल कहा क्या कि आप सारे बच्चे को ये वायर दिख रहा है, मैक्सवेल ने कहा अगर आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, ये देखो ये मैंने रिवर्स कर दिया, अब आप देखो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो ये फिंगर देखो किधर आ रहा है, ये फिंगर, अब गौर करना ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बच्चे। कहने का मतलब मैक्सवेल ने कहा कि अगर आप करंट के डायरेक्शन को डाउनवर्ड रखते हो, करंट के डायरेक्शन को आप क्या करते हो बच्चे, डाउनवर्ड, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड देन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो चलिए करंट का डायरेक्शन यहां से पकड़ते हैं, देखिए बच्चे करंट कहां जा रहा है, आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा, ज्यादा हम मुड़ नहीं सकते हैं ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हम खुद ही समझ रहे हो क्या हो सकता है। चलो देखो अगर करंट का डायरेक्शन यहां देख लो क्या हो रहा है, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड नीचे की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो क्या हो रहा है इस तरीके से, तो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो क्या हो रहा है ऐसे, यानी इधर से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से। आपने अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैक्सवेल ने
एक कंडक्टर वायर को कहा अपने हाथ में इस तरह से राइट हैंड में इस तरीके से पकड़ो कि अगर थंब करंट के डायरेक्शन को शो करेगा तो उस थंब के अलावा जो रेस्ट चार फिंगर है वो चारों फिंगर उसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये रूल आप याद रखना, जिसको जिस तरह से सुविधा हो, इमेजिन दैट अ करंट कैरिंग वायर इज हेल्ड इन योर राइट हैंड, ठीक है, सो दैट थंब पॉइंट्स द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर रेस्ट फिंगर विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। ओके स्टूडेंट, तो ये था किसी भी कंडक्टर वायर में, अगर स्ट्रेट कंडक्टर वायर के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अगर करंट है, यानी स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, तो उस कंडक्टर में उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बट उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा इसको जानने के लिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में जो बताया गया, आप सारे बच्चे को क्लियर है, करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में होगा, करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बच्चे। चलिए अब स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करें, तो बच्चे आप लोगों को मैं बताया, क्वेश्चन दिया था कि कैन ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर्ड एज ए मैग्नेट, इसको बताया था कि आप बताओ। तो एक चीज गौर करना है, फिर एक बार मैं रिमाइंड कर दूं, किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल से क्या होता है बच्चे आपको पता है, नॉर्थ पोल से क्या होता है, नॉर्थ पोल, और आप समझ गए होंगे कि नॉर्थ पोल से आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट होता है और साउथ पोल में जाकर के इंड होता है, टर्मिनेट होता है, नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट होता है, साउथ पोल में टर्मिनेट होता है, और फाइनली आप नॉर्थ पोल से ओरिजिनेशन था, साउथ पोल में टर्मिनेशन था। अब देखो और इस तरह से टर्मिनेशन है, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड क्या था, ये मैग्नेट के इनसाइड क्या था, स्ट्रेट लाइन, मैग्नेट के इनसाइड स्ट्रेट लाइन, आउटसाइड नॉर्थ पोल से आपने देखा कि नॉर्थ पोल से ओरिजिनेशन और साउथ पोल पर इंडिंग हो रहा है, ठीक है, ये आपने देखा था मैग्नेट में हो रहा है, किसी मैग्नेट में, ये फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था। तो आप बच्चे, आप लोगों को हमने कहा कि क्या एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा क्या, तो जरा सा उसको कैसे बोले, देखिए सपोज कीजिए कि एक कंडक्टर वायर है, जैसा कि अभी अभी हमने राइट हैंड थंब रूल में बताया, ठीक है, ये एक कंडक्टर वायर है, ठीक है, इस कंडक्टर वायर में करंट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है देखो, ये चलो लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, ये राइट हैंड साइड, अब आप गौर करो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, करंट क्या कर रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा करंट क्या हो रहा है, जैसे एक मैग्नेट था तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, इधर से निकल रहा है, ठीक है, यहां निकल रहा है, निकलते हुए इधर आया और यहां पर आकर के इंड हो रहा है, तो यहां से ओरिजिनेशन हुआ, यहां से इंडिंग हुआ, ओरिजिनेशन कहां से होता है बच्चे, नॉर्थ पोल से, ओरिजिनेशन कहां से होता है, नॉर्थ पोल से, टर्मिनेशन कहां पर होता है, साउथ पोल पर। तो आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहां बन रहा है ये ओरिजिनेशन है, कहां से, नॉर्थ, मतलब ये ओरिजिनेशन जो है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर से निकल रहा है, ये डायरेक्शन क्या है, आप देख रहे हो डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉक वाइज, किसका डायरेक्शन,
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है, ओरिजिनेशन हो रहा है। ओरिजिनेशन कहां से होता है, नॉर्थ पोल से। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड छोड़ो, मीनिंग क्या हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिनेशन शो कर रहा है, ये नॉर्थ पोल को बिहेव किया। राइट हैंड साइड ये देखो ये क्या कर रहा है, ये आकर के यहां इंड हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि ओरिजिनेशन हो रहा है, ओरिजिनेशन नॉर्थ पोल से होता है, और यहां इंडिंग हो रहा है यानी टर्मिनेट कर रहा है, और टर्मिनेट साउथ पोल पर होता है। देयरफॉर आरएचएस साइड जो हुआ साउथ पोल, ठीक है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, एक तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो आ ही गया, इस तरह से हम कह सकते हैं एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो क्लियर हो गया, हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं बच्चे, इसमें कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं हुआ होगा, तो आप क्लियरली यहां लिख सकते हो, आप क्लियरली लिख लो कि क्लियरली वी कैन से स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करेंट, ठीक है। क्लियरली यहां पर हम लिख सकते हैं, क्लियरली वी कैन से दैट ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर ए स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर्ड एज ए मैग्नेट, कंसीडर्ड एज ए मैग्नेट। तो मैंने क्वेश्चन यही दिया था आप लोगों को, सबसे पहला क्वेश्चन कि एक करेंट कैरिंग कंडक्टर क्या मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उसको एक एक्टिविटी के द्वारा बताओ। तो निश्चित तौर पर इसके लिए हम लोगों को पहले राइट हैंड थंब रूल जानना था। राइट हैंड थंब रूल जब हम समझ गए तो हम लोगों को पता चला कि राइट हैंड थंब रूल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट कैरी हो रहा है, यानी स्ट्रेट कंडक्टर में, तो उसमें उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं। और क्या वो स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो यस, जो ऐसा कि मैंने अभी प्रूफ करके आपको दिखाया। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास भी बेहतर लगा होगा बच्चे, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट देखता हूँ। तो बच्चे मैंने ये अभी अभी ये पढ़ा दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर करेंट कैरिंग कंडक्टर हुआ है। तो सबसे पहले ये अभी हमने पढ़ाया था कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करेंट आर कंसेंट्रिक सर्किल ऑन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करेंट, ठीक है। जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है कि एक स्ट्रेट वायर है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के आधार पर, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है। तो आप देख लो एक कार्डबोर्ड पर आपको दिखाया गया है क्या कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इससे दो बातें पता चलती है, वो दो बातें क्या है, पहला है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कैन बी ऑब्टेंड बाय व्हाट, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट कैरी हो रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसके चारों ओर किससे पता करते हो, तो अभी मैंने बताया था राइट हैंड थंब रूल। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट कैरी हो रहा है तो उस फील्ड का
मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा बच्चे? तो पहला बात तो यह होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट फ्लोज फ्रॉम द कंडक्टर। एंड दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मैं वो दो पॉइंट को भी लिख देता हूं। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट ए पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, क्या लिखोगे? ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। पहला पॉइंट हुआ, दिख रहा होगा आप लोगों को यहां तक? ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज, तो बच्चे मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट, और सेकेंड रेसिप्रोकल ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर, यानी वायर से तरह की रेसिप्रोकल ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ये जो हम लोगों ने देखा, तो इसका ये डिस्टेंस वायर से, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस, तो वायर से जो डिस्टेंस होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शन, मतलब देखो अगर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जितना है, आप गौर कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जितना है इस वायर के चारों तरफ पर, निश्चित है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो है घटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, ये करंट यहाँ फ्लो रहा है, इसके नज़दीक में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उससे डिस्टेंस बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चे, तो जहां पर कंडक्टर वायर है उससे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड घटते जाएगा। अगर कंबाइनिंग कर देंगे, कंबाइनिंग बोथ वन एंड टू, अगर दोनों को कंबाइन करोगे तो बी प्रोपोर्शनल आई बाय आर, तो बी इक्वल क्या होगा बच्चे? अब इक्वल का साइन देते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट देते हैं, यहाँ कॉन्स्टेंट देंगे म्यू जीरो बाय टू पाई इंटू आई बाय आर। ठीक है, तो बी इक्वल हो गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल ये आ गया, ये चूंकि कॉन्स्टेंट है ये भी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये तो कॉन्स्टेंट हो गया बच्चे, तो बी का वैल्यू क्या आ रहा है? ये एम्पियर और ये मीटर, एम्पियर बाय मीटर, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। ठीक है बच्चे, तो ओवरऑल जहां पर म्यू जीरो को क्या बोलते हैं, बी हो गया बच्चे मैग्नेटिक फील्ड, म्यू जीरो पर मी, पर मी, परमिएबिलिटी कांस्टेंट, इस तरीके से म्यू परमिएबिलिटी कांस्टेंट, और y तो आप जान रहे हैं खुद कांस्टेंट हुआ 3.14 होता है वैल्यू, और i तो आप जान रहे हैं करंट हो गया, और r हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, pd लिख दिए तो लोग पोटेंशियल डिफरेंस समझ लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।